हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। मेरी बताई हुई सिर्फ ये एक चीज खा लीजिए, आपके पेट की चर्बी हो जाएगी बिल्कुल गायब। जी हाँ, आज आपको मैं एक ऐसी ही चीज के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके पेट की चर्बी गायब तो कर ही देगी और साथ में आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकती है। कैसे और उस चीज का क्या फायदा है, वो चीज का नाम क्या है, जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। हो सकता है आपके लिए वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आपके जानने वाले के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के साथ में छोटी सी घंटी बनी है बेल आइकन, उसको प्रेस करना कभी ना भूलें, ताकि फ्यूचर में मेरा आने वाला कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन थोड़ा सा गुनगुने पानी के साथ निकल लें, तो आप जिंदगी भर बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। आपके शरीर के लिए एक रामबाण औषधि का काम करता है कच्चा लहसुन खाली पेट। जी हाँ, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, यानी आपका बीपी बहुत हाई रहता है हमेशा, तो उन पेशेंट्स को मॉर्निंग में खाली पेट कच्चा लहसुन जरूर निकलना चाहिए पानी के साथ। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको कूट कर भी पानी के साथ निकल सकते हैं। गुनगुना पानी पीजिए, उसे लेकिन पीना है सुबह खाली पेट। कच्चा लहसुन खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। सुबह खाली पेट अगर हम कच्चा लहसुन का सेवन करते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो वेट ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेगा। और अगर आप सुबह खाली पेट कच्चे लहसुन का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो आपका वजन धीरे धीरे खत्म भी होने लगेगा। कच्चे लहसुन के उपयोग से सुबह खाली पेट अगर आप कच्चे लहसुन का सेवन करते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। जो गठिया के पेशेंट्स हैं उनको सुबह खाली पेट कच्चे लहसुन का सेवन करना चाहिए, इससे आपके गठिया के दर्द में बहुत आराम मिलता है। फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हार्ट अटैक क्यों होता है, हमारी ब्लड वेसल्स में वेस्ट टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, ब्लड हमारा बहुत थिक हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो पतला रहे और हमारे हार्ट तक अच्छे से उसकी पहुंच पाए, दिल हमारा जिंदगी भर ठीक रहे, स्वस्थ रहे, तो सुबह आपको खाली पेट कच्चा लहसुन जरूर लेना चाहिए। इससे आपको फ्यूचर में कभी भी हार्ट अटैक जैसी रिलेटेड प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जो शुगर के पेशेंट हैं, उनको लहसुन के रस के साथ बेल के रस मिलाकर साथ में उनको देना चाहिए, इससे उनकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी। फ्रेंड्स, अगर किसी को दाद हो गया है, यानी दाद जो स्किन पर प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन एलर्जी हो जाता है, अगर वो किसी को हो गया है तो आपको क्या करना है, लहसुन को जलाकर उसकी राख में शहद मिलाकर उस जगह पे लगाया जाए तो दाद का दाग, यानी दाद जो प्रॉब्लम है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर किसी को स्किन एलर्जी है या किसी तरह की भी खुजली है शरीर में, तो उनको सुबह खाली पेट कच्चे लहसुन का सेवन करना चाहिए, इससे उनकी स्किन एलर्जी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर हम लोग सुबह खाली पेट लहसुन को भूनकर अगर हम खाते हैं तो इससे हमारे शरीर में कैंसर की कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं, यानी कैंसर रोगी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही रामबाण उपाय है। अगर आप अपने शरीर की चर्बी को पिघलाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, अपने वजन को घटाना चाहते हैं, तो आपको लहसुन की छोटी छोटी कलियां करके उसमें शहद मिलाकर आपको सुबह खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए, इससे आपके शरीर की चर्बी एकदम पिघलने लगेगी। फ्रेंड्स, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो लहसुन को बारीक पीस कर उसमें दही मिलाकर आप इसका सेवन करेंगे तो आपके बाल जल्दी जो झड़ रहे हैं वो झड़ने रुक जाएंगे और जहां से आपको गंजेपन का शिकार हो रहे हैं वहां पर आपके बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे। लहसुन को भूनकर अगर सुबह खाली पेट दिया जाए तो बवासीर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाती है। लहसुन की दो कली अगर आप सुबह नींबू पानी के साथ लेते हैं तो आपकी स्किन पे जितने भी पुराने से पुराने दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाएंगे और साथ में आपकी स्किन एलर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपकी त्वचा में चमक आ जाएगी। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे लाइक सेशन में कि उनकी स्किन डल हो चुकी है, अगर आप वो डलनेस कम करना चाहते हैं तो रोज सुबह नींबू पानी के साथ में आप लहसुन की कली निगलना स्टार्ट करें, इससे आपकी स्किन जो है बहुत शाइनी हो जाएगी और पुराने से पुराने दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे। कच्चे लहसुन का सेवन रात को सोने से पहले जो पुरुष करते हैं उनकी इंटरनल शक्ति बढ़ जाती है, यानी इंटरनल जो पावर होती है वो बढ़ने लगती है। अगर आप लोग अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत से बच्चों को या बड़ों लोगों को भूख नहीं लगती, डाइजेशन उनका वीक हो जाता है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको रोज सुबह खाली पेट कच्चे लहसुन का सेवन करना चाहिए, इससे उनकी भूख लगनी शुरू हो जाएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो देखा आपने कितने सारे फायदे हैं, मोटापा कम करता है, बालों को अच्छा करता है, स्किन को अच्छा करता है, एलर्जी, दाग धब्बे, पिंपल, बहुत सी प्रॉब्लम दूर करता है।
तो है ना लहसुन आपके लिए रामबाण उपाय। फ्रेंड्स, अब आपको मैं कुछ चीजें ये भी बता देती हूँ कि किस टाइम हमें लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। जिसका लो बीपी रहता है उसको लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी टाइम पे कच्चे लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। पीरियड्स टाइम पे हमें कच्चे लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको कच्चे लहसुन का सेवन हमेशा करना चाहिए अगर आप अपने शरीर को 1000 बीमारियों से बचाना चाहते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त और खूबसूरत बनाए रखना चाहते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर बहुत सारा करिएगा ताकि सब लोग लहसुन के फायदे, कैसे खाना चाहिए उसको जानकर अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बना सकें। हमेशा खुश खुश रहिए, हंसते रहिए, बस आपकी ईशा की यही ख्वाहिश है, यही मैं चाहती हूँ, यही मेरा मेन मोटिव है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।